हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट कैसे बनाया जाता है 2023 में। तो कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होगा, तो हम 2023 में जीमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर जाते हैं मोबाइल के, और उसमें सबसे पहले गूगल को ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद हम टाइप करेंगे क्रिएट जीमेल अकाउंट, तो ऐसे इंटरफेस आएगा कुछ। तो आप इस पर टैप कर देना क्रिएट जीमेल अकाउंट, उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर जो रेड रेड आपको दिख रहा है इस पर टैप करना है। फिर उसके बाद ये खुलेगा, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है, जिस नाम से भी आप अपनी आईडी बनाओ, गूगल अकाउंट बनाओ। तो मैं नाम डाल देता हूँ इसमें, कुछ भी नाम सपोज़ करो एक्स वाई जेड मैंने डाल दिया। ये सरनेम ऑप्शन में है, तो इसे डालना या मत डालना, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो जैसे कि हमने डाल दी 1 जनवरी 1995। जेंडर मेल कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे हम। फिर उसके बाद हमें ये जीमेल एड्रेस हमको सेलेक्ट करना है, तो सपोज़ कर लिया हमने ये वाला, ठीक है। या फिर आप अपने क्रिएट भी कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से XYZ जैसे 02 50 02 02, जैसे ये हमने ये दिखा रहा है कि सरनेम इज टेकन ट्राई अनदर, मतलब दूसरा वाला ट्राई करना है हमें। तो हमें फिर 003, जब तक ये हमें यहाँ दिखा नहीं दे कि हाँ ये सही है, तो हमें ऊपर भी 200 दिखा रहा है कि ये वाली आईडी बन सकती है इस पर। तो हम जैसे कि और ट्राई करके देख सकते हैं एक बार कि जैसे 222 ये भी नहीं बन सकती इस पर, XYZ जैसे कि 1111 ये भी नहीं बन सकती। तो ऐसे आप अपना नाम डालकर ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल के लिए मैं सबसे ऊपर वाली आईडी ले सकता हूँ, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपना पासवर्ड डालेंगे, जैसे कि 123456। पासवर्ड आप अपना पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग डालना, जैसे कि सबसे पहले हमने कोई नाम लिख दिया जैसे XYZ123 एंड एट द रेट, और डॉलर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे हमने XYZ और XYZ हो गया 1234, ठीक है, 123 एट द रेट और डॉलर, जैसे 100 हो गया, सेम होने चाहिए पासवर्ड और कंफर्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें आएगा मोबाइल नंबर यूज़ करने के लिए, तो हम उसको अपना, अगर आप नंबर डालना चाहते हो मोबाइल नंबर, तो आप फिल कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। तो आप नेक्स्ट करोगे तो गूगल उसके लिए नंबर ज़रूर मांगेगा कि वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर कोई भी नंबर जो आपका मोबाइल नंबर हो उसको आप यहाँ एंटर कर देना, क्योंकि मेरे नंबर SMS में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो मैं इस नंबर नहीं डाल सकता। तो आप नंबर डाल कर नेक्स्ट कर देना। फिर उसके बाद OTP आएगा, और OTP को आपको OTP कोड को डालकर कंफर्म कर देना, तो आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, बाय।